दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल डीके डिजिटल कैश में। सो दोस्तों आप सभी की पाई की जो माइनिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, पाई नेटवर्क ऐप जो है आप सभी के होम स्क्रीन के ऊपर, पाई ऐप होम स्क्रीन के ऊपर एक अपडेट आ रखा होगा अभी, जिसमें डॉक्टर निकोलस की पिक्चर शो रखी है और OPED इस तरीके से कुछ लिखा हुआ, उसके नीचे बटन है रीड का। तो आप चाहे तो रीड पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके अंदर अभी कुछ नया अपडेट बताया गया है। और इस नए अपडेट में एक बस टेक्नोलॉजी के बारे में AI थोड़ा सा वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, वो क्या कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है इस आर्टिकल के अंदर, वो आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं समझ सकते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैं यहाँ पर ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, जिससे कि कुछ जो चीज़ें हैं स्पेशली यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करी जा रही है उसको लेकर के जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हर किसी का जो दिमाग है वो अलग तरीके से चीज़ों को समझता है, ठीक है, किसी के पास में किसी और तरीके से समझने का तरीका है, किसी के पास में किसी और तरीके से किसी को समझाने का तरीका है, ठीक है। मेरा जो तरीका है आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, तो आप लोग देखते हो और इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो एनीवेज यहाँ पर बिना वक्त गवाए मैं यहाँ पर आज इस अपडेट के अंदर जो भी आर्टिकल दिया हुआ है वो यहाँ पर समझने की और आप लोगों को समझाने की कोशिश जो है वो मैं यहाँ पर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। जिस दोस्तों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। साथ ही साथ जिन लोगों ने पाई की माइनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाइए पाई की माइनिंग ज़रूर और ज़रूर जो है फ्रेंड्स करिए, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो अपडेट है इस आर्टिकल के अंदर क्या दिया हुआ है वो हम लोग समझते हैं। तो ह्यूमन पावर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सबसे पहले तो देखिए हम छोटी सी लाइन पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है, हो सकता है कि पहले ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँची हो तो अब दोबारा से पहुँच जाएगी। सो पाई जो है वो एनक्लोज मेन नेट के अंदर है, जिसके अंदर किसी को भी किसी भी एक्सटर्नल एक्सचेंज को, किसी भी एक एक्सटर्नल पर्सन को, किसी कम्युनिटी को यहाँ पर एक्सेस नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो फायरवॉल है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल की तरह, यानी बीच में एक मीडियम की तरह, सॉरी यहाँ पर बीच में एक तरीके से दीवार बनकर के खड़ी हुई है जो कि है वो एनक्लोज मेन नेट। तो पाई नेटवर्क इज़ नॉट एफिलिएटेड विद एंड हैज़ नॉट ऑथराइज्ड एनी एक्सचेंज लिस्टिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि बीते कुछ दिनों में बहुत सारे एक्सचेंजेस ने पाई नेटवर्क के नाम से कुछ कॉइन जो है वो लिस्ट कर दिया और उसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोगों को देखने को मिला ट्रेडिंग पेयर के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बाद में हमें क्लियर हो गई कि इन्होंने बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी एक लीगल ऑथराइजेशन के यहाँ पर इन्होंने जो है इसको लिस्ट कर दिया, जिसमें बाद में पाई नेटवर्क की तरफ से ये चीज़ डिक्लेयर हो गई कि भाई यहाँ पर हमारा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमने किसी भी तरीके से इसको जो है परमिशन नहीं दिया, किसी भी एक्सचेंज को परमिशन हमने नहीं दिए लिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ओपन मेन नेट का वेट करना है और कंटिन्यूसली अपनी माइनिंग जो है वो करते रहनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन पावर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन द एज ऑफ AI, यानी ये जो वेरिफिकेशन जो आप लोग कर रहे हो KYC के ज़रिए, जो हमारी यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है अकाउंट्स की, ठीक है, तो ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही है, ये हो रही है AI टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो वेरिफिकेशन इन द एज ऑफ AI, यानी कि वो समय जहाँ पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है AI की फुल फॉर्म, ठीक है, उसके ज़रिए यहाँ पर इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको बोला जाता है KYC, यानी कि जो KYC का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कंप्लीट किया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सो कम्युनिटीज़ इवन एंड स्पेशली डिजिटल कम्युनिटीज़, यानी कि वो लोग या वो कम्युनिटी जो कि यहाँ पर स्पेशली जो लोग डिजिटल या टेक्नोलॉजी बेस्ड जो लोग हैं उन लोगों की जो कम्युनिटी है यहाँ पर नीड पीपल। कम्युनिटीज़ इवन स्पेशली डिजिटल कम्युनिटीज़ नीड पीपल, बट हाउ कैन यू प्रूव देयर ह्यूमनिटी एट स्केल। बट आप लोग कैसे प्रूव करोगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ह्यूमन जो
ह्यूमिडिटी है वो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसको स्केल किया जाएगा KYC के लिए, ठीक है। कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं या कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो इन द केस ऑफ पाई नेटवर्क, यानी कि पाई नेटवर्क के केस में यहाँ पर ये बताएगा कि मासिव ग्लोबल कम्युनिटी पावर्ड बाय द वर्ल्ड मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड मोबाइल माइंड क्रिप्टो करेंसी, यानी कि यहाँ पर एक मासिव पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो कि हमारी 35 मिलियन यूज़र्स की है वो पावर्ड की गई है किसके ज़रिए, वर्ल्ड की मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड मोबाइल माइनिंग क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए, और वो है यहाँ पर पाई क्रिप्टो करेंसी या पाई नेटवर्क। यानी कि यहाँ पर एक बड़े लेवल पर एक इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई गई है पूरी दुनिया से, जिसको वो पावर दी गई है जिसके ज़रिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल माइनिंग के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पावर जो है उन लोगों को दी जा सके, ठीक है। सो द सीक्रेट हैज़ बीन बैलेंसिंग द इंट्रीग ऑफ हाईटेक विद द पीपल, तो इसके पीछे जो रीज़न है, इसके पीछे जो रहस्य है वो यही है दोस्तों कि यहाँ पर किस जिस तरीके से जो पाई नेटवर्क की टीम है और जो हाई टेक्निकल पीपल वो किस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, ये एक तरीके का सीक्रेट है। और यही वो लोग हैं जो पीछे पाई नेटवर्क के पीछे जो है काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए या और एडवांस टेक्नोलॉजी को, Web 3.0 आप इसको बोल सकते हो, उसके ज़रिए जो है यहाँ पर इसको बैलेंस किया जा रहा है इतनी बड़ी मास कम्युनिटी को, ठीक है। वी फाउंड सक्सेस थ्रू क्रिएटिंग अ नेटिव KYC सॉल्यूशन, और हम लोगों ने जो है यहाँ पर वो सॉल्यूशन को हम लोगों ने वो सक्सेस जो है वो बनाई है या उस सक्सेस तक हम लोग पहुँचे हैं किसके ज़रिए, नेटिव KYC सॉल्यूशन के ज़रिए। सो बिल्डिंग अ क्रिप्टो कम्युनिटी इन द एज ऑफ AI, यानी कि इस समय, यानी ये जो समय चल रहा है AI टेक्नोलॉजी का, उस समय के अंदर क्रिप्टो कम्युनिटी को बिल्ड करना, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो क्रिप्टो इकोसिस्टम, यानी कि जो क्रिप्टो का, जो क्रिप्टो की अर्थव्यवस्था है वो है बिल्कुल इथेरियम, सोलाना और पाई नेटवर्क, और कम्युनिटीज मेड अप ऑफ डिफरेंट एक्टर्स फ्रॉम एंड यूजर्स एंड डेवलपर्स एंड टू माइनर्स एंड वैलिडेटर्स। तो ये जो कम्युनिटी है, जो ये अर्थव्यवस्था चला रहे इस टाइम पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर या क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें सबसे पहले इथेरियम, सोलाना और उसके बाद पाई नेटवर्क कम्युनिटी जो कि यहाँ पर बनी है किसके ज़रिए, उन यहाँ पर उन अलग अलग लोगों के ज़रिए जिन्होंने अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ एक्ट किया है इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए, जिसमें शुरू से लेकर के एंड तक के वो सारे यूज़र्स, वो डेवलपर्स, वो माइनर्स और वो वैलिडेटर्स। तो यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं वो पाई की कोर टीम है, और उसके प्रोजेक्ट के पीछे जो भी टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे वो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। इसके साथ साथ डेवलपर्स और माइनर्स, माइनर्स यानी कि आप और हम लोग, और आप और हम में से ऐसे भी लोग हैं जो वैलिडेट कर रहे हैं, जिनको बोलते हैं हम वैलिडेटर्स, ठीक है। सो येट क्रिएटिंग अ थ्राइविंग एंड लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट स्किल एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का कम्युनिटी बिल्ड करना या इकोसिस्टम बिल्ड करना, ये जो है रिक्वायर्ड है, यानी कि इसमें इस तरह की कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए हमें जो ज़रूरत है वो है स्किलफुल लोगों की, सिग्निफिकेंट स्किल्स जिनके पास में है, और अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज की, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे की हेल्प के ज़रिए, एक दूसरे के सपोर्ट के ज़रिए बिल्ड हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आप और हम लोग जो माइनिंग कर रहे हैं हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं डेली क्लिक करके, डेली माइनिंग करके और अपना भरोसा पाई नेटवर्क को दे करके, ठीक है। तो हम भी कहीं ना कहीं से इस इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए अपना जो रोल है वो प्ले यहाँ पर कर रहे हैं। सो वी हैव सीन ट्रेडिशनल सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, ट्विटर यूज AI पावर्ड एल्गोरिदम्स टू ग्रो देयर यूज़र बेस, बट डैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमने एक ट्रेडिशनल सोशल नेटवर्क जो है वो बीते कुछ सालों के अंदर देखा, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, जो कि यहाँ पर AI पावर्ड बेस्ड एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं, किस लिए, ताकि वो
और ज़्यादा ऑडियंस गेन कर सके, और ज़्यादा यूज़र बेस, और ज़्यादा लोगों को अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर और ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पर खींच सके। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड अब हो चुका है दोस्तों। 10 साल में फेसबुक ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा लेवल पर कम्युनिटी बिल्ड कर चुके हैं, या फिर जो AI मेथड जो ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऑडियंस को ग्रो करने के लिए, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं समस्या खड़ा करने वाला हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, इन्होंने आगे ऐड मतलब नहीं किया, यहीं पर इन्होंने फिनिश किया, लेकिन जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इनका जो कहने का तरीका है वो ये है कि भाई आगे चल करके जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी और फ्यूचर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो है वो आएंगी दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पर इस तरीके के जो एल्गोरिदम जो यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो फेसबुक और ट्विटर वगैरह जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सो फॉर ईयर्स फेसबुक रिलाइड ऑन AI पावर्ड एल्गोरिदम्स टू सॉर्ट एंड रिकमेंड कंटेंट टू यूज़र बेस्ड ऑन देयर ऑनलाइन प्रोफेशंस एंड बिहेवियर। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात दोस्तों मैं बोलूँगा, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि बहुत सालों से यहाँ पर फेसबुक जो है वो डिपेंड है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर एल्गोरिदम के ऊपर, एंड जो कि यहाँ पर रिकमेंड करता है सिर्फ ऐसे यूज़र्स को जो कि यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, प्लस उनका जो प्रेफरेंस रहता है, यानी कि फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके में आप लोग समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप अपने घर में हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में हैं और आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप मोटोरोला फ़ोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अपने दोस्त से कि आप भाई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं और मैं मोटोरोला फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ, आपका दोस्त आपको रिकमेंड करता है सैमसंग या कोई भी और अदर फ़ोन, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में ये बातें हुई, ठीक है, और इन दोनों बातों जब आप ये बातें कर रहे हैं, आपका फ़ोन आपके पास में 24 घंटे है, आपके दोस्त का फ़ोन आपके पास में 24 घंटे है, वो डेटा आपके ज़रिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट करता है, और उसके बाद जब आप फेसबुक ओपन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके सामने एडवर्टीजमेंट प्ले होने लगा, कौन सा, मोटोरोला का और सैमसंग का, क्योंकि आप जो है फोन नया फ़ोन बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से फेसबुक और ये जो ट्विटर है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्क करते हैं, और ये कहीं ना कहीं AI टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है, जो कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा एडवांस होगा। एनीवेज सो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं पूरे ग्लोबल वाइज, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो भी जितनी भी बड़ी कम्युनिटी है बहुत सारे लोगों को एक मैसिव लेवल पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आने वाले टाइम में, ऐसा इनकी तरफ से जो है यहाँ पर बताया गया है। सो वाइल दिस वर्कड वेल इन बिगिनिंग रिलाइंग ऑन AI एल्गोरिदम, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब यहाँ पर इस तरीके की यूजेज जब चीज़ें की सॉरी इस तरीके जब टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही थी, ठीक है, और या जब लोग रिलाए थे स्टार्टिंग में बिगिनिंग में वाइल दिस वर्कड वेल इन द बिगिनिंग, ठीक है, यानी कि जब ये जो है काम करना शुरू कर चुका था शुरुआत में, इस तरीके की टेक्नोलॉजी जब फर्स्ट टाइम जब आई थी तो उस टाइम पर रिलाई होना ठीक था, रिलाइंग ऑन AI एल्गोरिदम्स अलोन रिजल्टेड इन अ स्लू ऑफ अनफॉरसीन कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर विद अ स्क्यूड व्यू टूवर्ड्स रॉ एनकरेजमेंट इज द हाइएस्ट गुड दिस एल्गोरिदम्स कुड टेक एंटी सोशल एक्शंस। तो यहाँ पर ये शुरू में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ये AI का ज़्यादा यूज़ होता चला जा रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड आप लोग समझ सकते हैं उसको, या फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेकिन ये कहीं ना कहीं अनसेफ जो है वो हो सकता है। सो जैसा कि यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन उन्होंने मेंशन करी है कि दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स कुड टेक एंटी सोशल, तो इस तरीके का जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पर लीड कर सकता है या ले जा सकता है एंटी सोशल एक्शंस के एंटी सोशल एक्शंस की ओर, फ्रॉम क्रिएटिंग इको चैम्बर्स टू मैग्नीफाइंग ह्यूमन बाइसेस थ्रू डिस्क्रिमिनेशन। मोर रिसेंटली हाईली पब्लिसाइज्ड लेट मी चेक दोस्तों कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही अकेले जो है वो बोले जा रहा हूँ समझाए जा रहा हूँ, ठीक है।
सो मोर रिसेंटली द हाईली पब्लिसाइज $44 बिलियन बिड टू बाय ट्विटर बाय टेस्ला सीईओ एलन मस्क वाज स्कप्टर्ड एट द एलिवेंट आवर ड्यू टू एलिगेट प्रीवलेंस ऑफ फेक अकाउंट्स एंड स्पेम बॉट्स। तो दोस्तों ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया है और अभी बहुत और भी बहुत कुछ है समझने के लिए और वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं इसको वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। लास्ट नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पर जो एलन मस्क के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं या रिसेंटली जो एलन मस्क की तरफ से ये ट्विटर को बाय किया गया उसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है एक्सप्लेन की गई हैं उसको हम लोग समझेंगे पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन कंप्लाइंग और इसके साथ साथ KYC को लेकर के भी कुछ बातें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मैंशन की गई हैं जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है शेयर करूंगा या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग खुद से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, खुद से भी रीड कर सकते हैं, जितना आपको समझ में आए उतना ठीक, जितना नहीं आए कोई क्वेश्चन आपको हो, कोई आपका माइंड में जो है कोई डाउट हो, सवाल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें और अपनी माइनिंग जो है वो कंटिन्यूअसली करते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।